दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवशंकर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कचौरी गंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग तीन ऐसे चुनिंदा महिलाओं की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है बट अपने जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों हम बात शुरू करने से पहले आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज महिला क्रिकेट टीम का मैच था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच था। हालांकि भारत ने इस मैच को गंवा दिया है, फिर भी भारतीय महिला टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके लिए महिला टीम को बहुत बहुत बधाई और आने वाले मैच के लिए गुड लक। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे नाम की बात नहीं करेंगे जो कि बहुत फेमस है, लाइक कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मदर टेरेसा, सानिया मिर्जा। ये ऐसे नाम हैं जो ऑलरेडी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है, बहुत बड़ा नाम है, सब लोग उनके तरह बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे फैमिली से अच्छे बैकग्राउंड इनको मिला है, अच्छा सपोर्ट मिला तो अपना पोटेंशियल इनका बाहर है। आज हम लोग तीन ऐसे महिलाएं के बारे में बात करेंगे जिनको कोई नहीं जानता बट वो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हैं। इसमें पहला नाम है पूनम कुमारी। 27 साल एज है, 2 साल पहले इनका पति का डेथ हो गया, इनके 2 बच्चे हैं और ये पहले गांव में रहती थी। पति के डेथ के बाद गांव वाले ने किसी तरीके से इन पे बहुत सारे सवाल उठाना शुरू किया कि आप कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कहीं काम पे मत जाइए, कुछ मत करिए, बट इनको अपना जॉब ढूंढना था और अपना दम पे जीना था। इन्होंने लगातार कोशिश किया, आज गांव से दूर रहती हैं, बाहर में ये रहने वाली हैं, बिहार के बोधगया के रहने वाली हैं और वहाँ से इनका गाँव लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर डेली गांव में जाती हैं, फिर वहां से वापस आती है। बिहार में एक जीविका संस्था है उसमें ये काम करती हैं और डेली 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद बच्चों को शाम में पढ़ाती हैं, अपने बच्चों को सुबह में उनको तैयार करके स्कूल भेजती हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं और अपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रही हैं। इन पे लोगों ने बहुत सारे उल्टा पुल्टा सवाल किए कि आप जॉब मत करिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए, बट किसी का नहीं सुनी और आज लगातार 24 घंटे में से लगभग 16 घंटा काम करती है और इनका 120 महिलाओं का ग्रुप है, उनके साथ में मिल करके काम करती है और कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये पहला नाम था पूनम कुमारी। दूसरा नाम है ज्योति कुमारी, ये भी बोधगया के रहने वाली हैं, ये भी जीविका में काम कर रही हैं। इनका एज 25 साल है, बचपन में ही इनका शादी हो गया था कम उम्र में। ये जब स्कूल जाती थी तो इनको 10 किलोमीटर डेली जाना पड़ता था और आना पड़ता था। ये अभी जीविका में एक स्टार्टअप है, माइक्रो एंटरप्राइज कंसल्टेंट्स, उसमें ये काम कर रही हैं और इनका भी यही काम है, महिलाओं के साथ बात करना, स्टार्टअप के बारे में बताना। और ये शादी के बाद भी हस्बैंड या उनके घर वाले मना करते थे कि हम अपना बहुत से जॉब नहीं करवाएंगे, फिर भी ये लगातार कोशिश की, फाइट की और अपना जिंदगी अपने दम पे जी रही। इनका एक बहुत अच्छा लाइन है कि पहले मैं जब अपना गांव में जाती थी तो लोग बोलते थे कि उनका बेटी जा रही है, आज मैं गाँव जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि ज्योति आ रही है या ज्योति का पापा है, मतलब ज्योति के नाम से इनके फैमिली वाले को लोग जानने लगे। तो ये दूसरा नाम था। इसी में तीसरा नाम है जो कि एकदम बिल्कुल, मैं जब डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता। ये रिंकू देवी हैं, ये भी गया के रहने वाली है, गया में एक छोटा सा गांव है सेखवारा, वहाँ के रहने वाली है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो अंगूठा छाप, इनको कुछ नहीं आता बट इनके जज्बे को सलाम। इनके हस्बैंड का इनकम बहुत कम था, फिर भी घर नहीं चल पा रहा था तो इन्होंने सोचा कि कुछ और काम किया जाए, पढ़े लिखे थी नहीं, आजकल पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलता तो ये तो अंगूठा छाप थी। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, रिंकू देवी ने लगातार कोशिश की और उसका नतीजा ये रहा कि जीविका में ही
सोलर ऊर्जा लैब कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का एक सिस्टम है जो कि आईआईटी बॉम्बे का स्टार्टअप है। उसमें इनको जॉब मिला और ये आज अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। वो जो लैम्प बनाती है ना, उस लैम्प का टारगेट ये है कि स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो रात में जब लाइट नहीं हो तो आसानी से पढ़ सके और अपना होमवर्क बना सके। तो वो बहुत अच्छा लैम्प है, सोलर ऊर्जा लैम्प, दिन में चार्ज हो जाता है, रात में उनको जलाइए। तो ये तीन महिलाएं थी। पहला नाम था पूनम कुमारी, जिनके हस्बैंड भी नहीं है। दूसरा नाम था ज्योति कुमारी और तीसरा नाम है रिंकू देवी, जो कि एकदम अंगूठा छाप। ये तीन महिलाओं के बारे में हो सकता है आप नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता, मीडिया भी इन्हें कवर नहीं किया, बहुत कम कवरेज मिला मुझे, लेकिन ये तीन महिलाएं मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। क्योंकि महिलाएं होकर के भी इतना हार्डवर्क करती हैं और अपना जिंदगी खुद बिता रही हैं, अपने तरीके से बिता रही, अपने अंदाज में बिता रही। तो महिला एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।